हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग रिव्यू करने आए हुए हैं अर्टिगा सीएनजी का, और ये हमारे साथ में है ओनर अजय राउत। तो हम पहले भी यामा राइड में मिल चुके थे, जैसा आपने ब्लॉग में देखा होगा। तो सबसे पहले की बात कि आपने अर्टिगा ही क्यों चूज की? एक्चुअली जैसे कि वरुण जी, अभी मार्केट में आप देख रहे हो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ। और मार्केट में अभी सीएनजी की भी डिमांड है, क्योंकि सीएनजी पे भी गाड़ी अच्छा माइलेज देती है, सीएनजी सस्ता भी है एज कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल। एंड अभी जैसे कि पॉल्यूशन भी कम होता है सीएनजी से, लाइक वी आर अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट और हमें एनवायरमेंट की थोड़ी सी केयर भी करनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली सीएनजी इज द बेस्ट फॉर नाउ। लाइक इलेक्ट्रिक तो बहुत ही बेस्ट है, बट फिर भी इलेक्ट्रिक का इंफ्रा बढ़ने तक तो हम सीएनजी का ऑप्शन ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने सीएनजी कार में अर्टिगा चूज की है। सीएनजी के काफी जगह स्टेशन रिफ्यूल करना हो तो गांव जाते समय कर सकते हैं, मतलब इजीली। राइट, वैसा इलेक्ट्रिक में नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, या ओके। तो जैसे कि अभी ज्यादा इंफ्रा तो नहीं है, यानी वेल डेवलप्ड जो सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, तो वहां पर आजू बाजू में मेट्रो सिटीज में आपको मिलेंगे सीएनजी पंप्स वगैरह मिलेंगे। बट द थिंग इज कि अगर आप थोड़ा आउटस्कर्ट जाते हो वगैरह, तो वहाँ पे सीएनजी के ऑप्शन ज्यादा नहीं है, तो वहां पर हमें पेट्रोल पे स्विच करके चलानी पड़ती है। बट अभी तो जैसे कि चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, सीएनजी भी हर जगह मिल रहा है, वेटिंग पीरियड भी कम है, लाइक वेटिंग जो हम लाइन में क्यू लगता है तो वो भी कम है, तो अभी वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके तो बाकी के सारे मॉडल सीएनजी में बाकी कंपनी के भी अवेलेबल है, तो फिर भी आपने अर्टिगा ही क्यों चूज की? एक्चुअली देखा जाए तो अर्टिगा का नाम सीएनजी में सबसे ज्यादा आगे आता है टॉप लिस्ट पे, क्योंकि अर्टिगा जो सीएनजी में मिल रही है तो बाकी एज कम्पेयर टू बाकी अदर कार्स, वो सीडान या फिर आप कार हैचबैक इसमें आप देख सकते हो, बट एसयूवी में सीएनजी मुझे लगता है सिर्फ अर्टिगा ही ऑप्शन है। अच्छा। क्योंकि अर्टिगा सीएनजी में जो मिल रही है उसमें ज्यादा स्पेस मिल रहा है, हाइट भी मिल रही है, गाड़ी का अच्छा खासा एवरेज भी आ रहा है, लॉन्ग टूर के लिए ज्यादा लोग लेके भी जा सकते हैं, और गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है। और सीएनजी लेने का तो अर्टिगा लेने का तो यही मोटिव है कि उसमें सीएनजी मिल रहा है मुझे। अगर बाकी कार्स में एसयूवी में अगर मुझे सीएनजी मिल जाता तो वो भी मैं ले सकता था, बट अर्टिगा इज द ओनली वन ऑप्शन मेरे टाइम स्टॉक सीएनजी के साथ। हाँ, कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ आती है। और ऐसा थोड़ा सा यूनिवर्सल हो जाता है कि फैमिली को लेके घूमना है तो फैमिली भी लेके घूम सकते हैं। एग्जैक्टली, फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, बूट स्पेस भी बहुत अच्छा है वैसे, दो सीट्स कोलैप्स करने पर। राइट, और थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी चल जाती है, थोड़ी बहुत ग्राउंड क्लियरेंस वैसा अच्छा है। एग्जैक्टली। तो आपने अर्टिगा कब बुक की थी? मैंने अर्टिगा बुक की 14 मई 2021 को। 2021 को? हाँ जी, जो 2021 को, और वो पुणे से बुक की गई थी। पुणे में मुंडवा में शोरूम है। ओके। तो वहाँ से बुक कर दी थी। और कितने समय तक आपको वेटिंग पीरियड कितना था आपका? एक्चुअली उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि आपको एक साल तक मिलेगी गाड़ी, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज्यादा है अर्टिगा का। और अभी जैसे कि मुझे गाड़ी मिली 9 महीने 14 दिन में, तो इट इज लाइक कि अभी जैसे कि मई में मैंने बुक की थी और वो कंप्लीट हुई 26 फरवरी 2022। तो मुझे उसके पहले भी ऑफर दे रहे थे वो कि आप ले लो गाड़ी वगैरह ऐसे वैसे, तब मेरे पास कलर चॉइस थी कि सिल्वर ही चाहिए मुझे। अच्छा। स्पेशल डिमांड थी घर से कि सिल्वर का कार लेनी है हमें, तो मुझे सिल्वर कार की वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेटिंग लगा। ओके, सिर्फ कलर की वजह से ज्यादा देर के लिए वेट करना पड़ा। हाँ, एक्चुअली जो कंपनी है वो ज्यादातर व्हाइट ब्राउन कलर, तो इसमें ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है, और सिल्वर कलर वगैरह ये जो है तो वो थोड़ा सा कम सेगमेंट में बनती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा। सिल्वर थोड़ा सा रेयर कलर बन गया। हाँ जी, तो इसलिए। ठीक, तो ये सारी हो गई बुकिंग और वेटिंग पीरियड की बातें। अब आप हमें बताइए कि आपको ऑन रोड ये गाड़ी कितने में पड़ी? मुझे ऑन रोड गाड़ी पड़ी है कुछ 11,60,000, और इसमें इंश्योरेंस, रोड टैक्स, गाड़ी एक्स शोरूम प्राइस सब कुछ आ गया।
और उसमें एडिशनल वारंटी भी उन्होंने इंक्लूड कर दी है। तो 11,60,000 में मुझे फरवरी 2022 को मिली। ओके। अभी शायद थोड़ी सी प्राइस बढ़ चुकी है, जैसे मेरे दोस्तों ने रिसेंटली लिए, किसी की 12 लाख तक गई है, किसी की 12-30 तक गई है, क्योंकि अभी तो मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आपने बहुत सारे मॉडिफिकेशन करके लिए है, मतलब ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम हो गया, मैटिंग हो गई, सीट कवर्स हो गए, और फिर ORVM भी, मतलब ऑटोमेटिक फोल्डिंग ORVM वगैरह देखा है। तो कैसे क्या, मतलब कहाँ से करवाए, या फिर कितना खर्चा आया आपको ये सब करवाने में? एक्चुअली कंपनी से तो मैंने पूछा था कि उनके पास क्या क्या है, बट जो फीचर्स उनके पास है वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं लगे, तो इसलिए मैंने बाहर से लगवा लिया है। okay. और ओवरऑल मुझे 50,000 तक खर्चा हो गया टोटल की, लाइक एक्स्ट्रा ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिटा, ये एंड्रॉइड प्लेयर है पूरा, तो इसमें आप ब्लूटूथ सॉरी वाईफाई वगैरह सब कनेक्ट कर सकते हो, इसमें व्हाट्सएप भी चल सकता है, यूट्यूब भी चल सकता है, गूगल मैप, हाँ गूगल मैप एप्लीकेशन, स्पॉटिफाई, इवन आप नए एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ये पूरा एंड्रॉइड टैब है। ओके। और सेकंड थिंग इज कि यहाँ पे एम्ब्रेस नहीं था, मैंने एक्सटर्नल एम्ब्रेस लगवा लिया है। okay. क्योंकि अभी इतनी बड़ी गाड़ी है, मैं लॉन्ग टूर पे लेके जाऊंगा और एम्ब्रेस नहीं है तो फिर चलाना बहुत डिफिकल्ट है, एंड बाकी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स है, जैसे कि क्रोम लाइन गार्निश, रेन वाइजर, फिर ऊपर रूफ रिल्स, फिर एक्स्ट्रा आगे DRL लाइट्स, एंड फिर बाद में सीट कवर्स, कंपनी के सीट्स कवर्स थे वो बेसिक थे, अच्छे थे, बट मैंने लेदर सीट्स कवर लगवाए, एंड मैटिंग भी करी मैंने, ये ग्रास मैटिंग है, उसके साथ फ्लोर लैमिनेशन, और फिर बाद में 7D मैट का कंसेप्ट है कि 7D मैट्स वगैरह लगवा लिए हैं। ओके। तो इट इज लाइक कि ये मैंने मेरे बेसिक फीचर्स करवा लिए हैं, और बाकी कंपनी की ओर से मुझे तो कुछ खास ज्यादा फीचर्स मिले नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ, देखते हैं अगर कंपनी नेक्स्ट टाइम अगर अच्छा सा लॉन्च करती है तो हम फिर से ले लेंगे। तो मारुति सुजुकी से कोई देख रहा हो तो ये सारे नेसेसरी फीचर्स आपने, मतलब एक 12 लाख की गाड़ी में तो एक्सपेक्टेड होते ही है सबको, तो थोड़ा उस ओर ध्यान देना चाहिए बस, बाकी कोई ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो कोई भी एडिशनल फीचर्स है उसका मैं POV आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें जो बहुत सारे फीचर्स एड ऑन्स है, तो उसमें से एक काफी अच्छा शानदार फीचर मैंने यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, कि रिमोट से आप विंडो अप डाउन कर सकते हो। आगे के दो ग्लास नीचे हो गए और अब पीछे के दो ग्लास नीचे हो गए, और इसे अप भी कर सकते हैं। तो ये ऊपर हो गए, यहाँ पे ये आर्मरेस्ट ऐड हो गए, इसमें भी काफी स्पेस है। यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम भी ऐड हो चुका है, तो इसमें गूगल मैप्स, ब्लूटूथ एप्स, बाकी सारे एप्स भी आप ले सकते हो, यूट्यूब, व्हाट्सएप, स्पॉटिफाई सब चलता है, प्रॉपर एक एंड्रॉइड मतलब टैब की तरह यहाँ पर ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका। तो यूट्यूब प्ले करके देखते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद फाइनली अपने चैनल पे ब्लॉग आ रहा है, और लंबे समय का इंतजार था, 3 मंथ्स वेटिंग करने के बाद। तो यहाँ पे हम लोग यूट्यूब भी प्ले कर सकते हैं, प्रिंट होने वाली है, और अब मेरे बैकग्राउंड से पहचान ही गए होंगे कि कौन सी EV हमने परचेज की है। मैं तो आगे आ चुका हूँ क्योंकि सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क वगैरह करना था, और मेरा भाई और कुछ फ्रेंड्स पीछे से अभी आ रहे हैं। साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी है टाइम है, तो तब तक हम लोग पूरा शोरूम टूर कर लेते हैं। ये सीट कवर्स भी ऐड हुए हैं, काफी प्यारा कलर है, मतलब ये सीट कवर्स का भी। तो आपको गाड़ी के साथ साथ शोरूम से स्टॉक क्या क्या मिला था? देखिए वरुण जी, ये VXI CNG मॉडल है, इसमें ज्यादा तो फीचर्स नहीं आते हैं, तो कंपनी के साथ सिर्फ पावर विंडोज और CNG किट और एक बेसिक मीडिया प्लेयर मिला था। okay. जैसे कि उसकी 1 इंच की डिस्प्ले होती है। hmm. और उसमें सिर्फ FM, ब्लूटूथ और ये सब चीजें चला सकते हैं, और AUX और USB ये स्टॉक okay. में मिला मुझे, और बाकी एक्स्ट्रा फीचर्स तो नहीं है, पावर ORM वगैरह मिले, और फॉग लैम्प नहीं है इसमें, क्रूज कंट्रोल मोड नहीं है, रेयर वाइपर नहीं है,
और कंपनी ने शायद ये देना चाहिए था, अगर हम 12 लाख तक गाड़ी ले रहे हैं तो ये बेसिक फीचर्स देने चाहिए। डेफिनेटली 12 लाख रुपए तक आप खर्च कर रहे हो तो ये सारे फीचर्स आपको एक्सपेक्टेड है, मतलब मिलना ही चाहिए। हाँ जी। तो आपने गाड़ी लिए हुए कितने दिन हो गए और आपने टोटल कितने किलोमीटर चलाई है? देखिए वरुण जी, मैंने ली थी 26 फरवरी 2022 और अभी आई गेस 23 मार्च चल रहा है, सॉरी सितंबर चल रहा है, तो इट इज अराउंड 5 to 6 months हो गए, 6 months हो गए आई गेस। हाँ, तो 6 months तो हो गए। गाड़ी मेरी ऑलमोस्ट 17,000 किलोमीटर चली है और मोस्टली तो मेरी गाड़ी मोर देन 80-90% तो सीएनजी पे चली है, क्योंकि मैं सीएनजी एरिया में ज्यादा घूम रहा था मैं, और सिटी में भी मेरी गाड़ी ज्यादा चली है, तो मोस्टली तो 70-80% तो भी ये सीएनजी पे चली है। तो ओवरऑल मुझे एवरेज मिल रहा है सिटी में सीएनजी का कुछ 21-22 एवरेज मिल रहा है। 21-22 हाँ जी। अगर मैं हाईवे पे चला तो सीएनजी पे तो मुझे 25 प्लस जाता है कभी कभी एवरेज, बट 25 तो अराउंड है ही है मेरा एवरेज। तो माइलेज तो काफी अच्छा है, मतलब हाँ जी, कौन सी भी कार इतना 22-25 तक का माइलेज आजकल देती नहीं है। राइट। मतलब हमारी तो कार हो गई नॉर्मल पेट्रोल पे चलती है तो सिर्फ 12 का या फिर 16 का माइलेज देती है। अच्छा अच्छा। बहुत प्रॉब्लम होता है माइलेज से रिलेटेड। ओके, तो ये गाड़ी पेट्रोल पे भी आपको अगर देखा जाए तो 18-19 का एवरेज है सिटी में, और हाईवे पे 22-23 तक जाता है एवरेज पेट्रोल पे। तो 1400 सीसी इंजन है? हाँ, 1400 है गाइस, मैं श्योर नहीं हूँ बट है 1400 सीसी। तो 1400 सीसी के अराउंड मतलब इंजन का अब इतना ज्यादा माइलेज मिल रहा है तो वो एक प्लस पॉइंट हो गया इस गाड़ी के बारे में, मतलब बिल्कुल भी। तो बाकी सारी फर्स्ट सर्विस कॉस्ट या फिर अदर कोई मेंटेनेंस आया तो उसका मतलब कैसा आपका कॉस्ट रहा? देखिए वरुण जी, कंपनी की ओर से ना हमें 3 सर्विसिंग फ्री मिलती है, पहली 3 सर्विसिंग। हाँ जी, पहली 3 सर्विसिंग जिसमें लेबर कॉस्ट फ्री होता है। अच्छा। तो जैसे कि फर्स्ट सर्विसिंग थी कुछ 1,000 किलोमीटर पे, एक महीना गाड़ी लेने के बाद, 1 महीना या फिर 1,000 किलोमीटर, तो मेरी 1,000 किलोमीटर कुछ 2 दिन में कंप्लीट हो गई थी। 2 दिन में 1,000 किलोमीटर? हाँ, क्योंकि मैं गाड़ी लेते एक्साइटेड था, घर लेके गया, घर यहाँ से 250 किलोमीटर है, फिर वहां पर भी थोड़ी लोगों ने चलाई गाड़ी, फिर उससे और एक कोई डिस्ट्रिक्ट गया, फिर वहां से फिर पुणे आने तक मेरा 1,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। लाइक मैंने आज सुबह गाड़ी ली और 2 दिन बाद यानी परसों सुबह मैंने गाड़ी सर्विसिंग के लिए लगा दी। तो उसमें फर्स्ट सर्विसिंग में बस उनका प्री चेकअप, सॉरी सिर्फ चेकअप होता है, बाकी कुछ फिर चेंजेस नहीं होता है, फिर ऑयल वगैरह चेंज नहीं करते, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। और फिर सेकंड सर्विस हुई 5,000 किलोमीटर पे और थर्ड सर्विस हुई 10,000 किलोमीटर पे। तो 10,000 सर्विस में कूलेंट चेंज होता है, ऑयल चेंज होता है, एयर फिल्टर चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, फिर जो लाइक कुछ एक्स्ट्रा फीचर, एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह ग्रीसिंग व्रीसिंग करानी हो तो वो एक्स्ट्रा। तो मेरा पहला सर्विसिंग यानी थर्ड सर्विसिंग जो प्रॉपर सर्विसिंग हुई है उसका अराउंड कॉस्टिंग हुआ 4,000-5,000 रुपए। तो उसमें ऑयल कूलेंट कुछ पार्ट्स मिसिंग वगैरह कुछ होगा होगा तो ऐसे एक्स्ट्रा एडिशन वगैरह करके 4,000-5,000 रुपए हो गया, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। तो मेंटेनेंस भी काफी मतलब एक इकोनॉमिक है इसका, मतलब बहुत कोई भी अफोर्ड कर सकता है बहुत ही इजीली, मेंटेनेंस ज्यादा मेंटेनेंस नहीं निकलता है। एग्जैक्टली। तो इस गाड़ी को आउट ऑफ 5 स्टार आप कितने स्टार रेटिंग दोगे ओवरऑल? कि ओवरऑल बस वो फीचर्स का अगर पॉइंट छोड़ा जाए तो गाड़ी एकदम परफेक्ट है, गाड़ी की कोई शिकायत नहीं। अगर फीचर्स मिलते तो मैं अराउंड 4.8 वगैरह स्टार दे सकता हूँ, बट अभी फिलहाल फीचर्स तो नहीं है और फीचर्स मुझे एडिशन एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा, इसलिए मैं तो दूंगा 4 स्टार। यस। बाकी तो कोई मेरी शिकायत नहीं, ना ग्राउंड क्लियरेंस की, ना गाड़ी की पिकअप की, ना गाड़ी का माइलेज वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम नहीं मुझे। सुजुकी ऐसी सेगमेंट में गाड़ी बेचती है कि जो कि इकोनॉमिकल में आप चला भी सकते हो, यूज भी कर सकते हो, उसको रख भी सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो इसका मेंटेनेंस सर्विसिंग कॉस्ट बहुत ही चीप है, मतलब एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइड लेके देखते हैं कि ड्राइविंग का मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहता है ओवरऑल। तो बैठते ही मुझे सबसे पहले फील हुआ कि मतलब राइडिंग पोस्चर इतना परफेक्ट है, ऊपर हेड के लिए भी मतलब बहुत ज्यादा स्पेस है, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि रूफ बहुत मतलब ऐसा चिपक के होता है जो कि थोड़ा सा मतलब प्लास्टोफोबिक फील कराता है हमें, पर वैसा कोई भी नहीं है, बहुत ज्यादा स्पेस है इसके अराउंड, और ये मतलब पोजिशन भी प्रॉपर है ड्राइविंग के लिए, एकदम परफेक्ट है। तो अभी जाके देखते हैं थोड़ा। तो इसका इनिशियल भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब एक सीएनजी कार को चलाते हुए ऐसा मतलब फील ही नहीं होगा कि मतलब पावर का कोई कमी है या फिर ऐसा, नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं वैसे हमें फील आ रहा है। और इसका पावर स्टीयरिंग भी काफी ज्यादा स्मूथ है, गियर बॉक्स एकदम स्लीक है, कोई शिकायत है नहीं।
तो मजा बहुत आता है मतलब चलाने में, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होगा। हॉर्न थोड़ा अच्छा देते तो चल जाता बेसिकली पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस आई मीन मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। तो मोटो व्लॉगर होते हुए तो कभी मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं राइड। एकदम स्मूथ प्रॉपर ऐसा मतलब बटरी स्मूथ राइड। पिकअप भी काफी अच्छा है मतलब कोई शिकायत नहीं। आप एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखो, लेने से पहले आप एक बार टेस्ट ड्राइव देखे देखो, प्यार हो जाए आपको गाड़ी से। इतनी स्मूथ और पिकअप इतना अच्छा, मतलब ऐसे लगता ही नहीं है कि हम लोग सीएनजी चला रहे हैं, पेट्रोल चलाने जैसा ही लग रहा है। तो इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।